नमस्कार, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं शुभम शर्मा आप सबके सामने अपने सपनों के भारत के बारे में अपने विचार प्रकट करने जा रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आपको पसंद आएंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि भारत खुद में एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है। विभिन्न जाति और धर्मों के लोग इस देश में शांति से रहते हैं। हालांकि ऐसे लोगों के भी कुछ समूह है जो अपने निहित स्वार्थों को पूरा करने के लिए लोगों को भड़काने की कोशिश करते हैं, जिससे देश की शांति में बाधा आ जाती है। मेरे सपनों के भारत में इस तरह की किसी भी विभाजनकारी प्रवृत्ति के लिए कोई भी जगह नहीं होगी। ये एक ऐसा स्थान होगा जहाँ विभिन्न जातीय समूह एक दूसरे के साथ एकदम सही तालमेल में रहते हो, सभी मिलजुल कर रहते हो। मैं भारत को एक ऐसा देश होने का सपना देखता हूँ जहाँ का हर नागरिक शिक्षित होगा। मैं चाहता हूँ कि मेरे देश के लोग शिक्षा के महत्व को समझ सके और यह सुनिश्चित कर सके कि उनके बच्चों को छोटी सी उम्र में नौकरी करने की बजाय शिक्षा हासिल करने का अधिकार मिले। मैं चाहता हूँ कि सरकार सभी के लिए समान रोजगार के अवसर प्रदान करे, ताकि युवाओं को योग्य रोजगार मिल सके और राष्ट्र के विकास के लिए युवा अपना योगदान दे सके। मैं चाहता हूँ कि देश तकनीकी रूप से उन्नत हो और सभी क्षेत्रों में विकास हो सके। अंत में मैं यह चाहता हूँ कि भारत एक ऐसा देश हो जहाँ महिलाओं को सम्मान दिया जाता हो, उनके साथ सभ्य व्यवहार किया जाता हो और पुरुषों के रोजगार के समान अवसर प्रदान किए जाते हो। और यह सपना देश के हर नौजवान को देखना चाहिए, हर नागरिक को देखना चाहिए। आखिरकार ये देश हमारा है, ये वतन हमारा है। जय हिंद, धन्यवाद।